रामायण के ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। खास करके रामायण के वो तीन पात्र जो कि आज भी अमर और अजर हैं। जी हाँ, सबसे पहले हनुमान, क्योंकि हनुमान भगवान राम के परम भक्त रहे हैं। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया था, तो माता सीता प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दे दी थी। तो वहीं दूसरे पात्र हैं परशुराम। जी हाँ, जिनके पिता जमगेनी और माता रेणुका थे। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से एक थे परशुराम। जी हाँ, परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। चिरंजीवी होने की वजह से वो राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के समस्त क्षेत्रीय राजाओं का अंत किया था। तो वहीं तीसरे जो है वो है विभीषण। जी हाँ, रामायण के बारे में थोड़ा बहुत ही भी जानते होंगे तो विभीषण का नाम तो सुना ही होगा। राक्षस राजा रावण का छोटा भाई था विभीषण। विभीषण श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता ना लेने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम के सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया, इसलिए वो अमर माने जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजप्रिया से प्रियंका की रिपोर्ट।